मुख्यमंत्री साहब को मुख्य सचिव परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री आज उद्घाटन के लिए तैयार 100 बसों में से एक बस का निरीक्षण करने के लिए बस में पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बस ठीक है ना, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बस का उद्घाटन किया जा रहा है। ये सारी बसें जो हमारे सामने खड़ी हुई हैं ये लो फ्लोर बसेस हैं जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सारी बसेस में ITMS इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है जिसमें CCTV कैमरा का इंटीग्रेशन है, पैनिक बटन का इंटीग्रेशन है। यह पैनिक बटन बस में होने वाली किसी भी आकस्मिकता के समय इसका उपयोग कर कंट्रोल रूम को सीधे मैसेज दिया जा सकता है कि क्या आकस्मिकता है, किस तरह की आकस्मिकता है जिसको अटेंड किया जाए। पुलिस का भी अगर इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो ये पुलिस कंट्रोल रूम के साथ भी कनेक्टेड है। ये सभी बसें GPS इनेबल्ड हैं। इन बसेस में जो GPS दिया गया है उससे लाइव इन बसेस की हर समय ट्रैकिंग की जा सकती है कि कौन सी बस कौन से रूट पर कहाँ चल रही है, रूट वाया फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, क्या किसी तरीके का कोई डेविएशन बस के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी सुविधाएं इन बसेस में उपलब्ध हैं। आज हम 100 नई बसेस दिल्ली परिवहन की फ्लीट में ऐड कर रहे हैं। ये सारी 100 बसें क्लस्टर बस ऑपरेशन के अंतर्गत आने वाले घुमन हीरा फर्स्ट डिपो से चलेंगी। यहाँ पर कुल टोटल 160 बसेस लाए जाने का प्राविधान है जिसमें से आज पहला बैच 100 बसेस का लॉन्च किया जा रहा है जिसकी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपके सामने की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब बस का फ्लैग ऑफ करने के लिए आ रहे हैं। लाइट भी लगा, ये भाई नीचे कर लो यार इसे।
आज हम लोगों ने भाई थोड़ा नीचे करो, टाइम हो गया, अरे शुरू करें। आज हम लोगों ने 100 एसी लो फ्लोर बसेस को शुरू किया है, उनका उद्घाटन किया है, और ये आज से दिल्ली की सड़कों के ऊपर चलनी चालू हो जाएगी। हुमन हेड़ा में नया बस डिपो बनाया गया है, वहाँ से वहाँ पे ये रहेंगी और मोस्टली रूरल रूट्स के ऊपर ये बसें चलेंगी। तो इन एसी लो फ्लोर 100 एसी लो फ्लोर बसेस के इंडक्शन के बाद दिल्ली के अंदर टोटल लगभग 6900 बसेस अब चल रही हैं। ये अभी तक का जो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा बसेस हैं। मैक्सिमम कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे बसेस हुई थी, जो कि लगभग 6000 के करीब उस टाइम फ्लीट थी दिल्ली में। अब ये 6900 पे पहुंच गई है और अभी भी बसेस का आना चालू है। हम और भी कई बसेस खरीद रहे हैं, आने वाले समय में सीएनजी बसेस भी आने वाली है, डीटीसी की अपनी बसेस भी आने वाली हैं और इलेक्ट्रिक बसेस भी अभी काफ़ी आने वाली हैं। तो हमारा मकसद है कि धीरे धीरे बसेस आने में टाइम लगता है, ये रातों रात नहीं हो सकता, बसेस का टेंडर और वो सब उसमें समय लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में। और जब हमारी सरकार बनी थी उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, कई साल से बसों की खरीद हुई नहीं थी, उसके बाद से जब प्रोसेस चालू किया गया तो इसमें समय लगा है और अब बसेस का आना चालू हुआ है। तो हम कमिटेड हैं कि दिल्ली के अंदर बस ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो और लोगों को अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ बसेस मिल सके। सर, इलेक्ट्रिक बसेस की क्या स्थिति है, उनको क्या स्टेटस है, बता दो। इलेक्ट्रिक बस का जो प्रोटोटाइप है, पहली बस, वो ऑलरेडी दिल्ली पहुंच गई है, आईबी डिपो में खड़ी है। मैं माननीय सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंडे को सीएम साहब उसका फ्लैग ऑफ कर देंगे और फरवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में 50 इलेक्ट्रिक बसें और आ जाएंगी। और पूरी कोशिश रहेगी माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि अप्रैल तक हम 300 बसें जो है वो पूरी कर दें। कोविड को लेकर के क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में? 28,500 मामले ऑल टाइम हाई है अब तक का। मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा, बहुत इन्फेक्शस वायरस है और पॉजिटिविटी रेट भी लगभग 29 क्रॉस कर चुका है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज़्यादा लो हैं, डेथ्स काफ़ी लो हैं, तो लोगों को चिंता की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं, बेड्स की कोई कमी नहीं है, ICU बेड्स की कोई कमी नहीं है। पैनिक नहीं करना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना है। सर, कल 3 बच्चों की डेथ हुई है ड्यू टू कोविड, 3 साल से भी कम उम्र के 3 बच्चे हैं, या 1 साल से भी कम उम्र के हैं, क्या उसकी जानकारी है, कुछ डाटा? इसकी डिटेल्स मैं डिटेल्स कलेक्ट करके आपको देता हूँ। दिल्ली में क्या पाबंदियाँ और बढ़ेंगी या घटेंगी, जिस तरीके से मामले आ रहे हैं? जो ज़रूरत पड़ेगी, अभी स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी बढ़ाने की तो बढ़ाएंगे, अगर मामले कम होने लग गए तो कम करेंगे उसको रिस्ट्रिक्शन। थैंक यू।